हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डी ड्राइव को सिंक करके सी ड्राइव में एक्सटेंड कैसे करते हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी, और इस सॉफ्टवेयर का नाम है इजीएस्ट पार्टीशन मास्टर। तो चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करिए। यहाँ पे ईमेल बोल रहा है डालने को, तो ईमेल डालते हैं हम अपना और सबमिट कर देते हैं। और डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये देखिए मेरा आ गया है स्टार्ट डाउनलोड। इस पर क्लिक करती हूँ। अब ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा वीडियो अब कंप्लीट हो रहा है। अब ये इसे हम इंस्टॉल करते हैं ओपन करके। देखिए आ गया, इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये फिनिश भी क्लिक कर दिए। चलिए जहाँ मेरा फ्रेंड्स, ये अब हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखे इंस्टॉल होके आ गया है। तो अब हमें सबसे पहले कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद हमें डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। अब हम डी ड्राइव से कुछ जीबी डिस्क हम सिंक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 GB सिंक करूंगी, मैं 5000 डाल देती हूँ। ये देखिए आ गया है। अब मैं इसको एक्सटेंड करना है हमें सी ड्राइव में। तो अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, इसे ओपन करेंगे। एस क्लिक करिए। अब ये अनएलोकेटेड जो फाइल है ये मेरी, अब हम इसको सी ड्राइव के बगल में लेके आएंगे। तो इस पे राइट क्लिक करके मूव पार्टीशन पे क्लिक करेंगे और इसको इधर खिसका देंगे। तो ये देखिए अनएलोकेटेड फाइल हमारी सी ड्राइव के बगल में आ गई है। अब इसे ओके करेंगे। अब हमें सी ड्राइव को मूव पार्टीशन पे क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा इधर मूव कर देना है और इसे इधर फैला देना है। अब ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा 102.35 GB का ये डिस्क बन गया है। अब इसे हम अप्लाई करेंगे, एस करेंगे। तो ये देखिए ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब ये बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी डिस्क ओपन करके, ये ऐड हो गया है सी में। इसीलिए मैं 5 GB ही ली, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए छोटा ली GB, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। तो थोड़ा वेट करिए, ये अभी हो जाएगा।
ये देखिए 100% हो गया है। ओके कर देना है। अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स तो चलिए देख लेते हैं कि ये हमारी हार्ड डिस्क बड़ी है कि नहीं। तो कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए मेरी सी ड्राइव इंक्रीज हो गई है। पहले मेरी 96 GB की ये डिस्क थी, अब ये इसमें 5 GB ऐड होके 102 GB हो गई है। तो इस तरह से आप भी बढ़ा सकते हैं। मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ये मेरी ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।